आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ करार देता है तो इसकी क्या हकीकत है। इसकी दो नौईयत हैं। पहली नौईयत तो यह है कि एक शख्स मजाक में या भूले से या मतलब एहतरामन अपनी बीवी को कह देता है कि तू मेरी माँ है या तू मेरी माँ की तरह है, यानी कि इस लिहाज से कि हो सकता है वो इस तरह से कहना चाह रहा है कि उसका ख्याल माँ की तरह रखती है या वो उसको रेस्पेक्ट देना चाहता है या मजाकिया कहता है कि तू मेरी माँ की तरह है, तू मुझ पे इस तरह से हुक्म चलाती है। तो इस सब की तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई आपकी बीवी आप पे हराम नहीं हो जाएगी इस तरह से। लेकिन इसकी एक दूसरी नौईयत है जो कि है टेक्निकली इसको कहा जाता है ज़िहार। तो ये अय्याम जाहिलियत में अरब अपनी बीवियों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे ये अल्फाज कह के अंती अलैया का जहरी उम्मी, कि तू मेरे ऊपर इस तरह से है जैसे कि मेरी माँ की पीठ, यानी कि यू आर टू मी लाइक द बैक ऑफ माई मदर। कि वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तू अपनी बीवी को कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह है। इसका मतलब ये है कि तू मुझ पर इस तरह से हराम है कि जिस तरह से मेरी माँ मुझ पर हराम है। तो अगर कोई इस नीयत से ये बात बोलता है या ये अल्फाज इस तरह से कहता है तो उस पर जो है ये ज़िहार होगा, यानी कि ये ज़िहार होगा। हालांकि कुरान ने इसको कंडेम किया और कहा कि भाई ये ज़िहार मतलब आपका कह देने से हकीकतन ही आपकी माँ नहीं हो जाती हैं। कुरान करीम ने इसके बारे में बताया है सूरह मुजादिला में सूरत नंबर 58 आयत नंबर 2 के अंदर कि अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, कि तुम में से जो अपनी बीवियों को मतलब ज़िहार करते हैं यानी कि उनको इस तरह से ये अल्फाज कहते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि माँ हुन्ना उम्महातिहिम, कि ये तो ये तुम्हारी भाई ये मायनी हो गई अगर तुमने इनको ऐसा कहा तो, ये कह देने से तुम्हारी माएँ नहीं हो गई हैं। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहु वलदनहुम, तुम्हारी माएँ तो हकीकतन वही हैं जिन्होंने तुमको जना है, तो तुम्हारी असल माएँ वही हैं। तो यहाँ पर कुरान ने ज़िहार को जो है कंडेम किया है कि ये बुरी बात है, बुरे अल्फाज हैं, बुरे कौल हैं, इसको ना कहो, ये नापसंदीदा कौल हैं, ये हराम है इस तरह से कहना। तो लेकिन अय्याम जाहिलियत में क्या होता था, वो ज़िहार करके अपनी बीवी को पूरी तरह से फारिग कर देते थे, यानी कि वो अब उनकी माँ की तरह है। उन्होंने जब ये कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह है तो अब वो उनके बिल्कुल उनके पास नहीं जा सकते और वो पूरी तरह से उनके ऊपर हराम हो गई। तो कुरान ने इसको कंडेम किया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, तुम्हारी असल माएँ तो वही हैं जिन्होंने तुमको जना है, तो वही तुम्हारी असल माँ है, मतलब कह देने से नहीं हो जाती। तो कुरान ने, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये बुरा है, तो कुरान ने इसको कंडेम किया और इससे कोई आपकी बीवी आपकी माँ नहीं बन जाती, आप पे हराम नहीं हो जाती। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आपने वाकई में इस इंटेंशन से ये बात कही है, इस नीयत के साथ जो ज़िहार है, ज़िहार किया है आपने, अगर इस तरह से कहा है कि तू मेरी माँ है, कि यानी कि तू मुझ पर इस तरह से हराम है कि जैसे कि मेरी माँ हराम है, तो ये ज़िहार हो गया। और इसके लिए कफ़ारा बताया गया जो फर्दर आयात के अंदर बताया है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, या ये नहीं कर सकते तो 60 रोज़े लगातार रखना, और ये भी नहीं तो 60 भूखों को खाना खिलाना। तो ये कफ़ारा करना ज़रूरी है इससे पहले कि आप अपनी बीवी के पास जाएं। तो ये ज़िहार की हकीकत है। तो ज़िहार को इस्लाम ने, कुरान ने कंडेम किया। लेकिन अगर कोई इस तरह का अमल दोहराता है जैसे पहले दोहराते थे, पहले तो फारिग हो जाती थी अय्याम जाहिलियत में, कि वो नौईयत भी नहीं कि तलाक वाली के आपने तलाक दिया और वापस आप ले सकते, नहीं, जो ज़िहार करते थे अय्याम जाहिलियत में वो पूरी तरह से कि वो माँ की मानिंद हो गई तो अब वो उसके पास जा ही नहीं सकते, उसे अपनी बीवी बना ही नहीं सकते, तो ये ज़िहार होता था। तो कुरान ने इसको कंडेम किया और इसके लिए कफ़ारा रख दिया कि भाई आप भूखों को खाना खिलाइए अगर आप इस तरह से कह देते हैं अपनी बीवी को इस नीयत से। और इस तरह से कहना कि भाई तू मेरी माँ है, इस तरह से जैसे वो आपका ख्याल रख रही है या वह पर इस तरह से हुक्म चला रही है, तो अगर आप इस तरह से माँ कहते हैं अपनी बीवी को तो इसमें इससे कुछ नहीं होता है। तो ये है, इससे वो आपकी माँ नहीं बन जाती, आप पे हराम नहीं हो जाती इस तरह से कहने से। हाँ, अगर ज़िहार कोई कहता है तो फिर उसके लिए कफ़ारा है कि तू मेरे माँ की पीठ की तरह, यानी कि तू मेरी माँ की तरह और उस तरह से तू मुझ पे हराम है। तो इससे ये नहीं है कि वो मतलब आप पे मुतलकन हराम हो गई है, बस ये है कि आपको उसका फिर कफ़ारा करना पड़ेगा उसके लिए। उम्मीद है कि बात समझ में आएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।